સુસ્તી. સમગ્ર દેશભરમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે ત્યારે દેશના બે તૃતીયાંશ ભાગ ગરમીની ભરડામાં છે. શનિવારે રાજસ્થાનના ચૂરુનું તાપમાન 50.8 ડિગ્રી નોંધાયું. દેશના 145 શહેરોમાં ગરમીનું તાપમાન 40 ડિગ્રીથી વધારે રહ્યું. ચૂરુમાં ગરમીનો 63 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટ્યો છે. ગરમીના કારણે હવામાન વિભાગે લૂ અંગે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે તો લોકોને ઘરમાં રહેવાની અપીલ કરી છે. દેશભરમાં શનિવાર ગરમ દિવસ તરીકે રહ્યો. દેશના 145 શહેરોમાં ગરમીનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર ગયો તો ચૂરુમાં 63 વર્ષ જૂનો ગરમીનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. ચૂરુનું તાપમાન 50.8 ડિગ્રી સાથે સૌથી ગરમ નોંધાયું છે. દેશના બે તૃતીયાંશ ભાગ ગરમીની ચપેટમાં આવ્યો છે. સમગ્ર દેશમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. ચૂરુ રાજસ્થાનથી અમારા સંવાદદાતા નરેન્દ્ર રાઠોડ અમારી સાથે જોડાશે. નરેન્દ્રજી, રાજસ્થાન કે ચૂરુ મેં સબસે જ્યાદા ગરમી અભી તક કી રેકોર્ડ હુઈ હૈ, કિતના તાપમાન અબ વહાં પર હૈ ઓર પિછલે સાલો મેં કિતના રહા હૈ ચૂરુ કા ટેમ્પરેચર? મેં બતાના ચાહુંગા કે ચૂરુ મેં પ્રચંડ ગરમી કા દોર જારી હૈ. તાપમાન 50.8 ડિગ્રી પર પહોંચ ચુકા હૈ, યાની 51 ડિગ્રી કે નજદીક તાપમાન પહોંચ ચુકા હૈ જો પિછલે 23 સાલો કા રેકોર્ડ તોડા હૈ. 23 સાલ પહેલે 50 ડિગ્રી પર ટેમ્પરેચર પહોંચતા થા, ઇસ બાર ये 50.8 पे है. और आज भी हालात अभी भी ऐसे ही बने हुए हैं. लोग सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे कोई कर्फ्यू जैसा माहौल है. लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं. लोग घरों से नहीं निकल रहे, जो जरूरी कार्य से घरों से निकल रहे हैं वो हर 10 मिनट में कहीं न कहीं पेय पदार्थ की दुकानों पे अपना गला तर कर रहे हैं. नरेंद्र जी, राजस्थान के नागरिकों का क्या हालात है, उस खास करके क्या असर पड़ा है जनजीवन पर? जनजीवन पर सबसे ज्यादा असर गरीब तबके के लिए पड़ा है. गरीब तबका मजदूरी करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सुबह जब सूर्य उदय होते हैं तो आकाश से आग बरसने लगती है और सड़कें उससे आग की जैसे लपटें निकलने लग रही हैं. तो लोग घरों में मजदूरों की सबसे ज्यादा हालत खराब है. और जिला प्रशासन ने भी हाई अलर्ट कर रखा है. जिला कलेक्टर जो यहाँ के संदेश नायक है, उन्होंने भी आम जनता से अपील की है कि जो घरों से निकले तो अपना चेहरा पूरा कपड़े से ढक कर निकले, और हर 10 मिनट बाद जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो पानी अवश्य पिए, और जरूरी कार्य से ही घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर के अंदर रहे, कहीं कहीं कूलर या पंखे के नजदीक रहे. नरेंद्र जी, तंत्र द्वारा कोई खास व्यवस्था, कोई तामझाम किया गया है रास्ते पर कुछ पानी वगैरह का, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, लोगों को खास करके मुश्किली पड़ रही होगी? आज जिला कलेक्टर संदेश नायक ने स्पष्ट नगर परिषद को आदेश दिए. नगर परिषद की जो दमकल गाड़ियां हैं इन दिनों, जैसे वो गाड़ियां आग बुझाने के लिए जाती हैं, लेकिन चूरू में देखा जाए तो अब दमकल की गाड़ियां सड़कों पर छिड़काव करती हुई नजर आती हैं. सड़कों पर दमकल की गाड़ियों से पानी छिड़का जा रहा है, जिससे सड़क पर चलने वाले राहगीर और जो शहर के लोग हैं उनको गर्मी से कुछ राहत मिल सके, इसके लिए प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है. और जो जिला मुख्यालय का अस्पताल है उसमें भी 2-3 एक्स्ट्रा वार्ड लगाए गए कि गर्मी से जो लोग बीमार होते हैं उनको तुरंत राहत दी जा सके. और अस्पताल के अंदर बर्फ की विशेष व्यवस्था की गई है कि जो गर्मी से जो लोग बीमार होते हैं उनको तुरंत जो बर्फ का उनसे मालिश की जाए. બિલકુલ, ધન્યવાદ નરેશ જી અમારા સાથે જોડને કે લિયે. તો રાજસ્થાનમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, રસ્તા પર પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે જેથી ગરમીથી થોડી રાહત સ્થાનિકોને મળી શકે.